जगदीश कह रहे हैं व्हाई डू वी हैव टू डाई, बिकॉज जगदीश यू वर बॉर्न, पैदा नहीं होते तो मरना भी नहीं पड़ता, जिन्हें मरना ना हो वो कृपा करके पैदा ना हो। जानने वाले समझा गए, कहते हैं जन्म लिया तो मरेगा, तो कहते हैं तुम जन्म लो ही मत, और इस बात को बहुत आगे तक ले जाते हैं, कहते हैं सत्य अजन्मा है इसलिए अमर है, क्योंकि उसका कभी जन्म नहीं होता इसलिए उसकी कभी मृत्यु भी नहीं है, जिसने जन्म लिया वो मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। और हम तो मानते ही अपने आप को जन्मा हुआ, जन्मा हुआ माने क्या, जन्मा हुआ माने वो जिसकी कहानी किसी एक दिन से शुरू हुई हो। आप कहते हो ना अमुक दिन मैं पैदा हुआ, ये रहा मेरा जन्म दिवस। जो कोई जन्म दिवस मना रहा है वो मौत के खौफ में जी रहा है, समझ लो। क्योंकि जो जन्म ले रहा है वो है जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, गर्भ से बाहर आए नहीं कि टिक 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 घड़ी शुरू हो जाती है। जो कोई अपने आप को शरीर मानेगा, शरीर का ही जन्म होता है ना, गर्भ से शरीर ही तो जन्मता है। जो कोई अपने आप को शरीर मानेगा वो मृत्यु के निरंतर भय में जिएगा। तो समझाने वाले समझा गए कि अपने आप को देह मानो मत, देहाभिमान में जीना भय को आमंत्रण है। अध्यात्म यूं ही नहीं होता कि करने को कुछ नहीं था तो उठा के शास्त्र पढ़ने लग गए। अध्यात्म इसलिए होता है ताकि जिंदगी नरक न बने। अध्यात्म उन्होंने दिया, शास्त्र उन्होंने रचे जो जीवन को पूरी तरह जीने के आकांक्षी थे। अध्यात्म किसी परलोक के स्वर्ग की बात नहीं है, अध्यात्म इसी जिंदगी में विजेता होने की बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जानो कि आत्मा हो तुम देह नहीं, और जो कोई आत्मभाव में नहीं जी रहा वो मृत्यु भाव में जिएगा। जो कोई आत्मभाव में नहीं जी रहा वो अपने आप को मरण धर्मा जानेगा और संसार को मृत्यु लोक। अब बताओ ये दुनिया तुम्हारे किस काम की अगर ये मृत्यु लोक है। तुम अगर शरीर हो तो तुम मरण धर्मा हुए, क्योंकि शरीर जन्मा है तो मरेगा, और अगर तुम मरण धर्मा हो तो संसार मृत्यु लोक है। और फिर तुम कहते हो दुनिया में बहुत कुछ हासिल करना है, दुनिया में अगर मौत ही मौत है तो फिर हासिल क्या करना है, क्या कमा रहे हो दुनिया में, तिजोरी में मौत ही भर रहे होगे और ज्यादा। जिन्हें तिजोरी में मौत नहीं भरनी उन्हें अपने आप को आत्मा जानना पड़ेगा, और ये कोई मान्यता की बिलीफ की बात नहीं होती, ये बड़ी गहरी और ईमानदार खोज की बात होती है। ये कोई शगल नहीं है, हॉबी नहीं है, टाइम पास नहीं है, ये इंसान की गहरी से गहरी, पहली से पहली और अनिवार्य जरूरत है। आपको कोई चुनाव नहीं उपलब्ध है कि देखिए साहब स्पिरिचुअलिटी में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर जीने में भी इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आध्यात्मिक नहीं है उसने मृत्यु का चुनाव कर लिया। जिसे जीवन का चुनाव करना है उसे आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। चुनाव नहीं है यहां पर, बाध्यता है, कंपल्शन है। अगर चाह रहे हो कि अपने आप को जन्मा तो मानते रहे पर मृत्यु कभी ना हो तो बड़ी असंभव मांग कर रहे हो, वो मांग पूरी नहीं होगी। बेहतर यह है कि वो मांग करो जो पूरी हो सकती है। समझ मांगो मिलेगी, बोध मांगो मिलेगा, प्रकाश मांगो मिलेगा, पर अपने आप को देह मानते मानते अमरता मांगोगे तो नहीं मिलेगी।